आईपीएल अब खत्म हो चुका है और अब सच गया है सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट का, इस साल के अब तक के सबसे बड़े मैच का इंतजार अब पूरा होने जा रहा है। मैच 3 दिन बाद मैच शुरू होने जा रहा है, WTC फाइनल, और इस फाइनल मैच की क्या तैयारियां हैं इंडिया की, बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं सीनियर एंकर और मैनेजिंग एडिटर आनंद नरसिम्हन जी। नरसिम्हन जी आपका स्वागत है। नमस्ते, आपका भी स्वागत है जी। तो क्रिकेट पर तो कभी भी चर्चा की जा सकती है। मेरा पहला सवाल वहीं से जुड़ा होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया में आप गए और निश्चित रूप से आप क्रिकेट लगातार फॉलो करते रहे हैं, कवर करते रहे हैं, तो क्या रिएक्शन या किस तरह की तैयारी वहां के लोग महसूस कर रहे हैं, अपनी टीम के बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, वहां पर बातचीत ज्यादा एशेज की है, क्योंकि एशेज जो है राइवलरी होता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। पर मैंने उनको पूछा, देखिए भाई WTC भी आ रहा है, आप कुछ कह रहे हैं? बोले वहाँ तो आप ले जाइएगा। मैंने बोला आप क्यों कह रहे हैं ऑस्ट्रेलियन होकर? बोले देखिए हम पैक तो ऑस्ट्रेलियन टीम को करेंगे, लेकिन हम बहुत ऑब्जेक्टिव हैं कि इस बार भारत का पलड़ा बतौर एक टीम का कंपोजिशन और टीम के फॉर्म को देख कर भारत का पलड़ा भारी लग रहा है। बावजूद इस बात के मैं आपको बताऊँ कि ऑस्ट्रेलियाई टीम नंबर 1 थी पायदान में ओवरऑल, और ऑस्ट्रेलियाई टीम का परफॉर्मेंस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लीडर बोर्ड में अक्रॉस टीम्स बेहतर था, और भारत तो बिना पाकिस्तान के खिलाफ खेल के भी वहां पहुंचा है। तो मैंने बोला आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले नहीं देखिए हमारा फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे रहा है, हमारे प्लेयर थोड़ा ऊपर नीचे हैं, आपके सब सेट लग रहे हैं, और खासकर अब कोहली फॉर्म में आ गए हैं तो आपका पलड़ा और भारी लग रहा है। तो ये उनका कहना है। अब ये वो अलग माइंड गेम खेल रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस बार वो ऐसा कह रहे हैं कि हम अंडरडॉग्स हैं जी। अगर हम कहें कि ऑस्ट्रेलिया वाले अगर सोच रहे हैं कि इंडिया दावेदार है, तो मुझे लगता है क्रिकेट हिस्ट्री में शायद ये सिर्फ दूसरा मौका होगा। आनंद जी, मुझे लगता है 2011 का जो वर्ल्ड कप खेला गया था भारत में, वो एक टूर्नामेंट या थी सीरीज थी जिसमें पहली बार माना गया था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा दावेदार है, और ये उसके बाद पहली बार ऐसा है कि ऑस्ट्रेलियंस भी अगर मान रहे हैं तो शायद इंडिया के चांसेस बहुत अच्छे हैं। देखिए, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर के अंदर इतनी बार मात दी है, और ऐसे ऐसे वेन्यूज पे हराया, सिडनी पे हराया, पर्थ में हराया, और ऐसा और सीरीज जीत गया है, एक बार नहीं दो बार सीरीज जीत गया है। तो ये जो हमने किया है उसकी वजह से लगता है ऑस्ट्रेलियाई टीम को लग रहा है या ऑस्ट्रेलियंस को लग रहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया से बेहतर कर सकता है। और अब देखिए हाल में जो 4 टेस्ट की जो सीरीज हुई थी उसमें भी भारत विजयी था, हाँ 2-1 से रहा। हालांकि हमको पता है कि हमको लगा कि भाई ये तो 4-0 जीतना चाहिए था, अब 2-1 से कैसे टाइट कैसे मुकाबले हुए। लेकिन क्या हुआ कि अहमदाबाद में जो आखिरी टेस्ट हुआ उसमें कई सारे प्लेयर्स जिनका फॉर्म ठीक नहीं चल रहा था उनका फॉर्म चलने लग गया। रोहित ने शतक जड़ दिया सीरीज में, कोहली ने रन बनाए, चेतेश्वर पुजारा ने हाफ सेंचुरी लगाई, सबका फॉर्म ठीक ठाक लग रहा है। आईपीएल में भी कई सारे प्लेयर्स ने अब रन बना लिए, खासकर शुभमन गिल को देखकर ये लोग सब अब ये देख रहे हैं कि बैटिंग ऑर्डर भारत का बहुत स्ट्रांग लग रहा है। चेतेश्वर पुजारा अभी ससेक्स में काउंटी खेल के आए हैं, उनकी सीरियसनेस देखे कि वो काउंटी ही खेल रहे हैं और काउंटी में उन्होंने बहुत रन बनाए हैं, और खासकर कुछ ऐसे खिलाड़ियों के साथ जिनके साथ उनका आमना सामना होने वाला है। तो ओवरऑल देखें तो भारत की तैयारी अच्छी लग रही है। अगर आप देखें डेविड वार्नर का फॉर्म उतना कुछ खास नहीं था, वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। स्टीव स्मिथ के बारे में सबको लोग खतरा लगता है, लेकिन वो उन्होंने कोई जादू दिखाया नहीं, तो कहीं ना कहीं। और ट्रैविस हेड कितना कर पाएंगे, कैमरन ग्रीन एकमात्र प्लेयर हैं जो शायद अब इस प्लेइंग 11 में हो, ऑस्ट्रेलिया ही देखना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलियाई टीम में थोड़ी सी उथल पुथल लग रही है, बावजूद इस बात के कि अगर आप उनका प्लेइंग ऑर्डर देखें, रनिंग और बैटिंग ऑर्डर देखें, तो पैट कमिंस तक वो बैटिंग करने का मादा रखते हैं, और कम से कम उनके पास 3 या 4 अच्छे पेस बॉलर्स भी हैं। तो ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो लगता है बराबरी का मुकाबला है, लेकिन सब्जेक्टिवली और ओवरऑल मोमेंटम के हिसाब से देखा जाए तो भारत का पलड़ा भारी होना अच्छा है। आपने दो बातें की, एक तो आईपीएल और दूसरी बात की पैट कमिंस की, इन दोनों की बातचीत को थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा मैं जी। एक तो जो ये टूर्नामेंट के लिए फाइनल मैच के लिए इंडिया की टीम गई है, उसमें से 15 में से 14 खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे थे, और लगातार 2 महीने खास करके हर दूसरे तीसरे दिन जब मैच हो जी तो थोड़ी सी थकान हो सकती है। दूसरी बात यह कि ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 2 खिलाड़ी थे, डेविड वार्नर और ग्रीन, ये 2 प्लेयर थे जो उनके मुख्य प्लेयर थे, बाकी लोग नहीं थे, और कम से कम 4 से 5 प्लेयर उनके काउंटी खेल रहे थे जैसा कि हमारी तरफ से गुजारा। तो क्या ये उनकी बेहतर तैयारी कम से कम WTC के हिसाब से देखी जाएगी? आप दोनों तरफ से देख सकते हैं कि हमारे प्लेयर्स कंटिन्यूसली खेल रहे हैं और फॉर्म में हैं, एक रिदम में हैं, और कंटिन्यूस मैच खेल रहे हैं,
आईपीएल खत्म हो गया 28 तारीख को तो खत्म हो गया, इसमें से कई सारे खिलाड़ी तो फाइनल में थे भी नहीं, लेकिन कुछ तो उनको उनका तो रेस्ट पीरियड तब से स्टार्ट हो गया है। और ये बिल्टअप में 7 तारीख में भी अरुणडल में पूरी स्क्वाड पहले चली गई थी और 3-4 दिन की उनकी वहाँ पे तैयारी हुई है, अब वो ओवल मैदान की तरफ आए हैं। तो पिछली बार की तरह जहाँ उनके पास प्रिपरेशन टाइम बहुत कम था और बहुत टाइट शेड्यूल था पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बीच में, इस बार मुझे नहीं लग रहा कि प्रिपरेशन टाइम पर भारतीय टीम या रेस्ट को लेकर भारतीय टीम एजिटेटेड होगी या कंसर्न होगी, मुझे नहीं लग रहा। और पिछली बार कोविड के प्रोटोकॉल्स भी थे जो दिमाग को बहुत ज़्यादा बरगला सकते हैं लोगों का, काफ़ी वो क्वारंटीन को लेकर और रिस्ट्रिक्शंस को लेकर बहुत ज़्यादा हो गया था। और क्या हुआ था उस वक्त, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत कहीं बाहर निकल गए थे, प्लेयर्स के बीच में कोविड का डर फैल गया था, तो वो जो ऑफ द फील्ड इशूज़ हैं वो सारी थी जो न्यूजीलैंड के सामने निकल के आ गई। और न्यूजीलैंड जैसी टीम है जो हंस के वार करती है, आपसे बड़े प्यार से बात करेगी लेकिन ऐसा मारेगी फिर भी बोल के यार सॉरी यार मैंने तेरे को मार दिया, लेकिन फिर भी 4 चौके मारेगी। ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ हमेशा एक एग्रेशन टाइप रहता है, यहाँ तक कि आप देखिए कि स्टीव स्मिथ जब भी आउट हो रहे थे आपकी बार वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाने की कोशिश कर रहे थे, गुड बॉल वेल डन प्लेयर को दिखा रहे थे, और एलन बॉर्डर ने उनकी मजर मत कर दी, बोला यार तुम ऑस्ट्रेलिया की तरह खेलो, तुम इंग्लिश प्लेयर बनने की या न्यूजीलैंडर बनने की कोशिश मत करो, तुम एग्रेशन दिखाओ। अब प्रिपरेशन के ऊपर है, पर मुझे लगता है कि नहीं, आई थिंक अगर मोहम्मद शमी खेल रहे हैं, मोहम्मद शमी पर्पल कैप जीते हैं, बॉलिंग की उनकी रिदम बहुत बढ़िया लग रही है, सिराज भी अच्छी बॉलिंग की, विकेट टेकिंग एबिलिटी की देखिए, पावर प्ले शुरुआती ओवर्स में ब्रेक थ्रू मैन जो है वो सिराज निकल के आ रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन का माता कोई नहीं है, पर ऐसे प्लेयर हैं वो जो उनका होना उस टीम में लाजमी है, ज़रूरी है। अब बात निकल के आती है कि उमेश यादव डालेंगे या शार्दुल ठाकुर डालेंगे, तो आपके चॉइस के ऊपर है। टेस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड अगर आप उमेश यादव को देखें तो अमंगस्ट द हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं, उनका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड उनका स्टैटिस्टिक्स उनके लिए खुद बोलता है, खासकर टेस्ट क्रिकेट में। ये हो भी सकता है कि ये शायद उनका आखिरी टेस्ट मैच हो, इसके बाद वो ज़्यादा टेस्ट ना खेलें, उनकी उम्र भी हो चली है। उधर शार्दुल ठाकुर ऐसे हैं जिन्होंने सिडनी में या ऑस्ट्रेलिया में अनलाइकली हमारे लिए पेस प्लेयर हेड बन के आ गए और वहाँ पर उन्होंने विकेटें दिलवाई हमको, क्रूशियल ब्रेक थ्रू दिलाए और नीचे लोअर ऑर्डर में ऋषभ पंत के साथ क्रूशियल इनिंग्स भी खेली, बहुत यूजफुल ऑलराउंडर के तौर पर आए। तो अब हार्दिक पांड्या नहीं है ग्रुप में तो शायद शार्दुल ठाकुर के ऊपर आपका रुझान हो सकता है, तो हमारे पास ऑप्शन अच्छे खासे हैं और ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का विकेट ले सकते हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ट्रेविस हेड किस तरह से खेलते हैं, कैमरन ग्रीन कैसे खेलते हैं। मेरी नज़र इन यंगस्टर्स पर है रादर देन डेविड वॉर्नर या स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ का कोई सानी नहीं है, वो उनका चप्पू चल गया, दिमाग चल गया तो फिर वो मैच ही ले जाएंगे। माइकल नेसर आए, उन्होंने भी विकेट भी ले रहे हैं और अभी उन्होंने बहुत सारे रन भी बनाए। अब माइकल नेसर एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट आए हैं, वो जादू करते हैं कि नहीं देखना पड़ेगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया टीम में ऐसा है कि अब अगर आप उसमें देखें तो पहले जैसे वो बात नहीं, लेकिन अभी भी उनके इसमें ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो इंडिविजुअली मैच को घुमा सकते हैं, ले जा सकते हैं। और ओवल में आप कहा जा रहा है कि पहले 3 दिन अच्छी धूप होगी, चौथे दिन थोड़ी बारिश हो सकती है, पांचवे दिन फिर धूप होगी, तो ऐसा लग रहा है कि ये मैच पांचवे दिन में जाएगा। और अगर 5 दिन का पूरा खेल होता है तो व्यूअर्स के लिए बढ़िया है, मुझे लगता है रिजल्ट जरूर निकलेगा इससे। जी उनके पास भी नाथन लियोन है। हाँ नाथन लियोन है, नाथन लियोन जो एक्स्ट्रैक्ट इंडियन पिचेस पे कर रहे हैं वो ब्रिटिश पिचेस या इंग्लिश पिचेस पे इंग्लिश कंडीशन में करेंगे मुझे लग नहीं रहा। और कहीं ना कहीं अब की बार मुझे लगता है कि इंडियन प्लेयर थोड़ा इक्वेशन बराबर कर देंगे। वो इंडिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर हैं, नामी स्पिनर हैं, ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द बेस्ट में से उनको गिना जाता है, दुनिया के सबसे बेस्ट में से गिना जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन प्लेयर्स विल टीच हिम अ लेसन। अब की बार लियोन को उतनी कामयाबी नहीं मिलेगी, मुझे लग रहा है कि पेसर्स को भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया पेसर्स को ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। जी डब्ल्यूटीसी फाइनल पे तो बात तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मैं इस बातचीत को ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता। आपका प्लेइंग 11 क्या है? अब मैं आपको पूछता हूँ कि इंडियन टीम में आप किसको खिलाएंगे, किसको नहीं खिलाएंगे? दरअसल ये सबसे बड़ा सवाल मैं आपके लिए लेके आ रहा था, वापस दे दिया। मुझे लगता है कि मैं इसमें दोनों स्पिनर के साथ जाऊंगा और 3 फास्ट बॉलर रखूंगा। दो स्पिनर के साथ, तो रविंद्र जडेजा और अश्विन दोनों को खिलाएंगे, 3 फास्ट बॉलर किसको खिलाएंगे? सिराज शमी तो पक्का हो गए, तो तीसरा कौन, उमेश यादव या शार्दुल ठाकुर? मुझे लगता है मैं उमेश के साथ जाऊंगा, क्योंकि हमारी बैटिंग लाइनअप जब दो स्पिनर बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर है तो 7वें नंबर पे अश्विन बैटिंग करेंगे तो ठीक ठाक बैटिंग हो जाती है। तो जैसा कि देखा आनंद जी ने, जो कि लगातार क्रिकेट फॉलो करते रहे हैं,
और इसके साथ ही अभी ऑस्ट्रेलिया से आए हैं तो उनके पास जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के या जो फैंस हैं उनके रिएक्शन भी है, जिन्हें लगता है कम से कम कि भारत इस बार WTC फाइनल में दावेदार है। अब देखना है कि इस मौके को भारत भुना पाती है या नहीं। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, हमारे टॉप चार बल्लेबाज है ना, उन्होंने 250 रन बना लिए ना भाई साहब, ये टेस्ट मारा है। हमारे टॉप चार बल्लेबाजों ने अगर 250 रन बना लिए तो ये टेस्ट हमारा है। टॉप फोर बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं या टीम की बात? टॉप फोर मीन्स मुझे लगता है कि आनंद कह रहे कम से कम 400 रन चाहिए, उतना तो चाहिए ही होगा ना। लेकिन अभी तक इस मैच में बस एक बार बैटिंग करें जी और फिर इनको दो बार आउट करें। लेकिन अभी तक जो विदेश में पिछले 2-1 सालों में हम देखते हैं मुकाबले टेस्ट मैचेस, तो इंडिया अगर 250 से 300 के बीच बनाती है तो जीतती है। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये उस वक्त जो है टेस्ट चैंपियनशिप के चक्कर में मैच जीतने के लिए पिचेस बनाए गए हैं, ये मैच खेलने के लिए पिच बनाया जाएगा क्योंकि फाइनल है। 6 दिन दिए आपने तो एक रिजर्व डे के लिए है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा, इन चारों ने मान लीजिए 250 भी नहीं 200 रन अगर लगा दिए, अगर हम 200 for 2 हैं तो हम ये टेस्ट जीत सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि आनंद जी का कहना कि कम से कम जो टॉप फोर के बल्लेबाज हैं उनको स्कोर निश्चित रूप से करना पड़ेगा 200 पे 2 या 3 की, अगर स्कोर बनता है तभी हम इस मैच में रहेंगे। अब वहाँ के ओवल का मैच, ओवल के पिच कैसी है, ओवल का मौसम कैसा है, इस बारे में हम बातचीत करते रहेंगे। अभी मैच 7 जून को शुरू होना है, उससे पहले हम फिर से मिलेंगे आनंद जी के साथ में, फिर आपसे मिलूंगा, स्वागत करूंगा आप सबका। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए News18 वेबसाइट से।